पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मातृ दिवस पर यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल संस्था की ओर से सभी सदस्यों ने मिलकर अम्मा की रसोई की शुरुआत की। पदाधिकारियों ने कहा कि कोशिश है कि हर महीने अम्मा की रसोई लगे, ताकि एक समय का भोजन उन लोगों को मिल सके जो एक समय का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते हैं। इस दौरान नेहा मेहरोत्रा, मिली सिक्का, संजना भटनागर, अदिति गोयल, वंदना प्रियंका आदि सदस्याएं मौजूद रही। नेहा मेहरोत्रा ने भंडारे का महत्व बताते हुए कहा कि एक बार विदर्भ के राजा श्वेत मरने के उपरांत जब परलोक पहुंचे तो उन्हें भूख लगी और उन्होंने भोजन मांगा तो उन्हें भोजन नहीं दिया गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से इसके पीछे की वजह पूछी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी जरूरतमंद को भोजन नहीं खिलाया, इसीलिए तुम्हें अन्न कहाँ से प्राप्त होगा। इस कारण से भंडारे का आयोजन किया जाने लगा। तभी भंडारे में सभी लोग खाना लेते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान भी देते हैं, इसलिए अन्नदान को सबसे बड़ा उत्तम दान माना गया है। हाँ, सबसे पहले तो सबको हैप्पी मदर्स डे। आज हमने मदर्स डे पर अम्मा की रसोई चालू की है, जो कि यह ग्रुप के सारे मेंबर्स मिलके कर रहे हैं। क्या क्या किया जा रहा है आज के तरह की शुरुआत है? आज हमने फर्स्ट टाइम रसोई की है, जो कि हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं करने का। अगर भगवान की इच्छा हुई तो हम हर मंथ करेंगे, और इसमें सभी मेंबर्स ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। और आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे सारे ही लेडीज़ अच्छे से लगी हुई हैं बांटने के लिए। किस तरह का सहयोग रहता है? हर चीज़ से, पैसे से, मील से, हर चीज़ से सहयोग करते हैं। और आज की डेट में इस समय सब खड़े हुए भी हैं, सुबह से ही बहुत एक्साइटेड थे सब आने के लिए। देखिए, मैं दूसरों को तो नहीं सिखा सकती, लेकिन हाँ, मैं अपने ग्रुप के साथ जो आगे बढ़ रही हूँ, रसोई चालू की है हम लोगों ने, हमारी कोशिश रहती है कि जिन्हें एक टाइम का खाना नहीं मिलता है उन्हें अच्छे से खाना मिले। एक टाइम का तो मिले, अगर आने वाले टाइम में हमारी कोशिश ये है कि हम हॉस्पिटल वगैरह में भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब पूरी कोशिश है कि हो जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।